नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। आज जो है वो मैं क्लास 11th सब्जेक्ट जिसके जो है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इन क्वेश्चंस में से आपको पक्के में कई सारे क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और साथ में ही इन क्वेश्चंस में से जो है आपके फाइनल पेपर में भी क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट हैं जो कि आते रहते हैं, तो मैंने इस पर एक ये वीडियो बनाया है। ये हमारा पार्ट वन है दोस्तों, इसका पार्ट टू है वो भी जल्दी आने वाला है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट हैं जो कि बार बार रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया है। इन क्वेश्चन को कोई कर लेगा तो उसके आराम से अच्छे अच्छे मार्क्स जो हैं उसके बढ़ सकते हैं। और साथ में ही मैं आपको बता दूं, इसमें जो है मैंने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। 30 क्वेश्चन आपको सही से याद कर लेने हैं। 30 क्वेश्चन से जो है आपकी परसेंट काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो इसमें जो है आपको संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा एवं ऊष्माधारिता में दो अंतर लिखिए। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि निम्न को परिभाषित कीजिए, विशिष्ट ऊष्मा एवं ऊष्माधारिता। तो आपको ये दोनों चीज़ें कर लेनी है। तीसरा है पास्कल का नियम, आपको जो है पास्कल का नियम लिखना है काफ़ी अच्छे से। चौथा क्वेश्चन आया है दोस्तों, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है इसे सिद्ध की। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको पक्के में जो है आपको मिल जाएगा 5 नंबर में। तो आपको जो है इसको जरूर से याद करना है और इसके बाद इसे सिद्ध कीजिए जबकि जल बल अचर हो। तो ये जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है इसे सिद्ध कीजिए जबकि बल अचर हो, ये जरूर ही आएगा। दूसरा है दोस्त, पांचवा है दोस्तों, गतिज ऊर्जा को परिभाषित करते हुए इसका व्यंजक उत्पन्न करो। ये भी सका है कि स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करते हुए इसका व्यंजक उत्पन्न करो। तो दोस्तों आपको दोनों चीज़ों को जो है तैयार रखना है दोस्तों। इसमें जो है 6th नंबर का क्वेश्चन है, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य कार्य किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों 7वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो आया है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की सहायता से इसे सिद्ध कीजिए। तो ये जो है रेखीय संवेग संरक्षण का सबसे पहले आपको जो है नियम लिखना है, उसके बाद जो है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की सहायता से आपको द्वितीय नियम की पूरी सहायता लेना है और उससे जो है इसे सिद्ध कर देना है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए कि एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर, जहां प्रतीकों के समान निरता है। द्वितीय नियम को लिखना है आपको दोस्तों, और जो है इसको जो है सिद्ध करना है एफ बराबर एम ए। ठीक है, इसमें जो है प्रतीक जो है उनके सभी के सेम अर्थ हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जड़त्व एवं जड़त्व आघूर्ण में 4 अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, तो आपको इसको भी याद कर लेना है दोस्तों। इसमें जो है 10वें नंबर का क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लिखिए एवं इसमें प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ समझाइए। इसमें जो है दोस्तों आपको ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम लिख देना है और उसमें जो है बाद में प्रतीकों के जो है अर्थ बताना है कि इसका ये अर्थ है। इसमें जो है दोस्तों 11वें नंबर का क्वेश्चन है, न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए एवं शीतलन की दर तथा तापांतर के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो ये जो है तापांतर और शीतलन दोनों के मध्य आपको संबंध स्थापित करना है और न्यूटन के शीतलन नियम को आपको जो है लिखना है दोस्तों। इसमें जो है 12वां है, परगामी तथा अपरगामी तरंगों में अंतर लिखिए। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से करने आना है, ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, सरल लोलक क्या है, सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात करो। ये 5 नंबर में जरूर से क्वेश्चन ये आ सकता है सरल लोलक वाला। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियोस जो है मिलती रहती हैं। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक भी कर दें, और जो है नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। इसमें जो है दोस्तों 14वें नंबर का क्वेश्चन है, ग्रहों की गति संबंधित केपलर के नियम लिखिए एवं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के तृतीय नियम को सिद्ध कीजिए। तो चलिए दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
दोस्तों इसमें जो है 15वें नंबर क्वेश्चन आया है, प्रक्षेप गति को समझाइए एवं सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो इसमें जो है ओटी भी आ जाती है दोस्तों, प्रक्षेप का पथ होता है, तो इसमें जो है आपको लिख लेना है परवलयाकार। इसमें जो है दोस्तों आगे है, जबकि वस्तु को क्षैतिज से न्यून कोण पर फेंका जाता है। तो ये भी काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। 16वें नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न को सिद्ध कीजिए। ये जो है सर एस बराबर यू टी प्लस वन अपॉन ए टी स्क्वायर। नंबर दो है वी बराबर यू प्लस ए टी। और तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दोस्तों इसमें जो है वो 17वें नंबर का क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, डॉपलर प्रभाव क्या है। श्रोता द्वारा सुनी गई आवासीय आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात करो, जबकि ध्वनि स्रोत एक समान वेग से स्थिर श्रोता की ओर गतिमान है। तो आपको जो है इसमें जो है आपको व्यंजक भी याद करना है और इसमें श्रोता के एक समान वेग से स्थिर श्रोता की ओर गतिमान हो ये भी बताना है, ठीक है। इसमें दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, पलायन वेग क्या है। पलायन वेग के लिए व्युत्पन्न के लिए व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए, ठीक है दोस्तों। और एवं सिद्ध कीजिए कि इसका मान वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको इसमें जे भी सिद्ध करना है कि द्रव्यमान केंद्र पर निर्भर नहीं रहता है, वस्तु का जो है द्रव्यमान केंद्र पर निर्भर नहीं रहता है। 19वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जी और जी में संबंध स्थापित कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। और इसमें जो है दोस्तों 20वां क्वेश्चन सिलेक्ट मैंने किया, जी और जी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर से फाइनल और प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां केपलर के तृतीय नियम से न्यूटन के सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण के नियम को सिद्ध कीजिए। तो आपको जो है इसमें केपलर का तृतीय नियम को लिख देना है सबसे पहले, और उसके बाद जो है न्यूटन के सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण नियम को जो है सिद्ध करना है। इसमें जो है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, ताप की स्थायी एवं परिवर्ती अवस्था में दो अंतर लिखिए। तो आपको इनकी जो है परिभाषा भी दोस्तों अच्छे से याद कर लेनी है कि ताप की स्थायी अवस्था, ठीक है, और उसके बाद को परिभाषित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो है परिवर्ती अवस्था को जो परिभाषित कीजिए। तो इसमें जो है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, हुक्का नियम लिखिए। तो हुक्का नियम लिखिए 2 नंबर के लिए काफी सही क्वेश्चन है, ये आ सकता है। 24वां है दोस्तों, प्रगामी तथा अपरगामी तरंगों के गुणों में अंतर लिखिए। दोस्तों वहां पर था प्रगामी तथा अपरगामी तरंगों में अंतर, और यहाँ पर है उनके गुणों में अंतर। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद है, ऊंचाई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होने लगता है। तो आपको इसमें सिद्ध करना है कि ऊंचाई के साथ जी में गुरुत्वाकर्षण के मान में क्या परिवर्तन होने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो है पार्ट टू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, जो कि पार्ट टू मैं बनाने वाला हूं, उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो आपको जो है उसको भी जाकर देख लेना है, और इस वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसमें जो है दोस्तों 26वें नंबर का क्वेश्चन लिया है मैंने, समतापी एवं रुद्धोष प्रक्रम में अंतर लिखिए। दोस्तों इसमें जो है 27वां क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्ष व समांतर अक्ष प्रमेय लिखिए। दोस्तों इसमें जो है मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं अलग अलग लिखने की जगह, कि लंब अक्ष प्रमेय लिखिए, जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्ष प्रमेय लिखिए, और दूसरा है लंब अक्ष जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय लिखिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपको पार्ट टू भी जल्दी ही मिल जाएगा, आपको उसे भी कर लेना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों वो 28वें नंबर का क्वेश्चन है, गैसों के अनुगतिक सिद्धांत की विशेषता लिखिए, जो कि पीवी इक्वल टू INRT, ये वाला भी आपको कर लेना है। गैस समीकरण, गैस नियतांक जो है आपको इसको भी सॉल्व करके देख लेना है, पीवी इक्वल टू NRT। दोस्तों इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें जो है सरल आवर्त गति, जो कि सरल आवर्त गति करता हुआ एक कण है, उसके विस्थापन के लिए आपको एक समीकरण देना है, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों मैंने 30 नंबर का क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, निम्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। आपको जो है विमीय सूत्र लिखना है, जिसमें पहला है रेखीय त्वरण, दूसरा है कोणीय संवेग, तीसरा है बल, चौथा है कार, और 5वां है शक्ति, और 6वां है वेग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो है इसका नेक्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ में आई बटन पर भी आपको पार्ट टू की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर
कदम करते हैं देखने के लिए। धन्यवाद।